हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फिरोज रिज़वी, TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश है दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर तबसरे। तो खास खास तबसरे इस तरीके से हैं कि देश में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 5वां बजट पेश कर दिया। उनके बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स में स्लैब के बदलाव की रही, और भी कई इसकी खूबियां हैं। इनमें इनकम टैक्स की छूट की सीमा 8 साल बढ़ा दी गई है। 7 लाख तक पर आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा। गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त राशन। युवाओं और रोजगार के लिए कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। बहरहाल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस बजट को बताया था कि अमृतकाल का ये पहला बजट है, और उन्होंने कहा कि कल ही कहा था ये बात कि बजट आने से पहले कि ये बजट ऐसा इतना अहम है कि इस पर न सिर्फ देश के लोगों की निगाहें बल्कि पूरे दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। भारत के ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारत के सारे संकल्प पूरे हो सकेंगे, ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा है कि जो बजट हमारा पेश किया गया है हमारी सरकार का, उसमें हर तबके को रियायत और उसका ख्याल रखा गया है, और इसे पूरी तरीके से लोग लाभान्वित हो सकेंगे। बहरहाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट करार दिया और कहा कि देश का ये बहुत ही ज़बरदस्त बजट है और इससे लोगों को हर तरीके की सुविधाएं देने का ख्याल रखा गया है, वहीं विपक्ष ने इसे अवाम को गुमराह करने वाला बताया है। वैसे भी एक परंपरा रही है कि सत्ता में कोई भी दल रहा हो, जब भी उसका बजट आया है तो विपक्ष ने हमेशा उसकी आलोचना ही की है। तो इस बार भी इस बजट को लेकर के जो आलोचनाएं की गई हैं, उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और दीगर बहुत सारी पार्टियों ने भी इस बजट को किसी भी तरीके से आवाम के हक में नहीं बताया। तभी ने कहा ये आवाम को गुमराह करने वाला है। इसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बजट पूरी तरीके से 2024 के इलेक्शन को लेकर किया गया है। इसी तरीके से मायावती और अखिलेश ने भी इसको कहा कि बजट को इस तरीके से पेश किया गया है कि ताकि इससे 2024 को के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने नैया पार कर सके। उन्होंने खुद सवाल किया है मायावती ने कि केंद्र सरकार बताए कि वो जनता को गुमराह क्यों कर रही है। इसमें सारी बातें गुमराह करने वाली हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसमें गरीबों को कहीं भी राहत की बात, महंगाई से राहत की बात नहीं कही गई। तो बहरहाल, सभी ने अपने अपने तरीके से इस बजट की आलोचनाएं की हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों ने इसे विपक्ष की दुर्भावना बताया है और कहा है विपक्ष तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता रहता है और केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आवाम के हक में है और इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बजट की आलोचना करने वाले इसको जनता को खुद गुमराह कर रहे हैं। बहरहाल, अब 2024 के इलेक्शन भी आने वाला है और बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा, ये सब सबके सामने रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक बयानी जारी करके इस बजट की सकड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किसानों का इसमें कहीं भी ख्याल नहीं रखा गया है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि जो बजट केंद्र सरकार का आएगा उसमें किसानों के लिए कोई बड़ी राहत भरी योजना होगी, लेकिन बजट सामने आने के बाद पता चला कि सरकार अपने किसान विरोधी रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी सरकार किसान आंदोलन पर थे तो सरकार अपने नकारात्मक रुख अपनाए हुए थी, और अब बजट आने के बाद भी ये पूरी तरह साफ हो गया कि किसानों के हक में सरकार कुछ भी सोचना पसंद नहीं करती है। बहरहाल, उन्होंने इस बजट को भी किसान विरोधी बताया और कहा जनता विरोधी तो है ही है, किसान विरोधी भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो किसानों की तरफ ध्यान दे, नहीं तो किसान खुदकुशी करने पर फिर से आमादा हो जाएंगे। बहरहाल, उन्होंने किसानों के लिए इस बजट को मायूसकुन बताया।
रांची से खबर है कि झारखंड के धनबाद में आगजनी की एक बड़ी घटना हुई है। एक टावर में एक गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई है, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। अभी तक खबर के मुताबिक 14 लोगों के मरने की इत्तला है और यह तादाद बढ़ भी सकती है। बताया जाता है कि कल बुधवार को देर शाम धनबाद जिले में एक टावर आशीर्वाद टावर के पास ये आग लगी। इसकी दूसरी मंजिल पर एक शादी समारोह चल रहा था, जहां पर गैस सिलेंडर फटा और इसकी आग ने अपनी चपेट में तीसरी मंजिल को भी ले लिया, जिसमें काफ़ी लोग फंस गए। लेकिन मौके पर जब बचाव की कोशिश की गई तो काफ़ी लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 13 महिलाएं हैं और एक बच्चा शामिल है। और इसके अलावा वहाँ पर बचाव कार्य में जो भी जख्मी हुए हैं उन्हें भी अस्पताल भर्ती कराया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वाक़े की सुनने के बाद मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और कहा है कि सभी को मृतकों को 2-2 लाख रुपए पीएम केयर फंड से मिलेगा, पीएम रिलीफ फंड से मिलेगा, और मृतक घायलों को 50-50 हज़ार रुपये। बहरहाल उन्होंने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि बचाव कार्य राहत कार्य को पूरे युद्ध स्तर पर किया जाए और लोगों को हर तरीके से संभव मदद की जाए। और उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने धर्म परिवर्तन यानी मजहब के तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने के लिए पुलिस और कमिश्नर को सख्त हिदायतें दी हैं। उन्होंने दिशा में सख्त रुख अपनाते हुए सभी आला अफसरों की एक बैठक की है, पुलिस के और कमिश्नरों के, कलेक्टरों के, और उनसे कहा है कि इसको किसी भी तरीके से नाकाम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन एक गलत परंपरा है और इससे लोगों को गुमराह किया जाता है, तो इस पर इसके लिए इंटेलिजेंस व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि कहीं भी ये संभव ना होने पाए और इसको नाकाम बनाने की हर संभव कोशिश की जाए। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान इसने अपनी काफ़ी सख्ती से इस पर कार्रवाई को अमल में लाने के लिए हिदायत दी है। इसके अलावा चमोली से खबर है कि वहाँ पर भूस्खलन और भारी ठंडक और बारिश और दूसरी वजहों से जो हालात पैदा हुए थे उनमें स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, लेकिन कल बुधवार से इस स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं और लोगों में राहत की सांस महसूस की जा रही है और स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स और सब ने आना शुरू कर दिया है, पढ़ाई भी शुरू हो गई है। और अभी कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। लंदन से जारी खबर के मुताबिक ब्रिटेन पुलिस ने एक हादसे में फुटबॉल के क्षेत्र में एक बड़े हादसे को लेकर के मारे गए 97 लोगों के परिवारजनों से अब जाके माफी मांगी। पुलिस को अब यह एहसास हुआ है कि उसकी बड़ी चूक से यह हादसा पेश आया था। बता दें कि 34 साल पहले इस हादसे में लिवरपूल फुटबॉल मैच होना था, जिसमें मैच के पहले भगदड़ मच गई थी और लगभग 97 लोग मार डाले गए थे, कुचल के मर गए थे और 800 लोग जख्मी हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को वहीं पर बंद कर दिया था। हालांकि मारे गए लोगों की तरफ से काफ़ी नाराज़गी उस वक्त जताई गई थी, लेकिन पुलिस ने खामोशी चुप्पी साध दी थी। लेकिन अब 34 साल बाद ब्रिटेन पुलिस ने इस गलती को कबूल कर लिया है और उसने एक बयान जारी करके बुध को इस बात को माना है कि इस हादसे के पीछे पुलिस की बड़ी चूक थी। तो बहरहाल अब जाकर के मारे गए लोगों के घर वालों के साथ ये इंसाफी हुई है कि ब्रिटेन पुलिस ने इस मामले में हादसे के पीछे अपनी कमी को माना है। अब इस मामले में आगे क्या उनके घर वालों की मदद करेगी, क्या होगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल ब्रिटेन पुलिस ने 34 साल बाद अपनी इस कमी को स्वीकारा है। और इसके अलावा कट्टर इस्लामी देश के रूप में मशहूर ईरान के तेहरान में देश ईरान में एक जोड़े को सार्वजनिक स्थल पर डांस करने में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तेहरान के शहर में एक आज़ादी टावर के पास, आज़ादी टावर के नाम से एक स्थल है, वहाँ पर एक जोड़े ने
डांस किया था जिसका वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस्लामिक कानून के तहत वहाँ पर सार्वजनिक तौर पर डांस करने पर पाबंदी है, इसके तहत उन पर सजा, इनके मुकदमा चलाया गया गिरफ्तार करके और उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अखबार के खबरों के मुताबिक ये हादसा गत नवंबर को पेश आया था और इसमें जो लड़की है उसका नाम अस्तियाज हगी है और उसका मंगेतर मोहम्मद अहमदी हैं, जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास बताई जाती है और इन लोग उन्होंने ही वहाँ पर डांस किया था जिसका वीडियो वायरल हो गया था। तो अब वो लोग जेल में हैं और इस तरीके से ईरान में जो सख्त कानून है उसके तहत लोगों में खौफ पैदा है बना हुआ है कि कहीं अब इस तरह के वाकया होगा तो उन्हें भी इस तरह की सज़ा सुनाई जा सकती है। बहरहाल तो अब तबसरे को यहीं देते हैं, ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे नए तबसरों के साथ होंगे रूबरू। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, आदाब।